कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड इसका जो लाइफ टाइम है वो सेकेंड से लेके ईयर्स तक है। सेकेंड्स मतलब क्या कि अगर आपने कोई फाइल बनाया और वो सेव करने से पहले ही अगर लाइट चली जाती है तो विद इन अ सेकेंड तो आपका फाइल डिलीट भी हो सकता है। और आपने कोई फाइल अगर सेव करके रखा परमानेंटली सी डी ई ड्राइव के ऊपर तो आप ईयर्स तक मतलब बहुत सारे सालों तक भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। एंड देर आर मल्टीपल वेज हाउ टू एक्सेस द फाइल। जैसे आपको पता है मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि रैंडम एक्सेस और सिक्वेंशियल एक्सेस, ये दो देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल एक्सेस मेथड्स। नेक्स्ट एज वी नो दैट फाइल को हम अलग अलग नाम से सेव करते हैं विथ एक्सटेंशन। इम्पोर्टेंट टू बी एबल टू फाइंड द फाइल्स आफ्टर दे आर क्रिएटेड। लेकिन उसका इम्पोर्टेंस क्या रहता है कि सिर्फ फाइल बना के उसको सेव करके नहीं छोड़ देना है हमें, बाद में उसको जब भी मैं उसको फाइंड करना चाहूंगी तो वो मेरे फाइल फाइंड होनी चाहिए, दिखनी चाहिए और उसके उसमें से डेटा हम एक्सेस कर सकेंगे। एवरी फाइल है एटलीस्ट वन नेम। हर फाइल का एक नाम होता है और जहाँ तक हो सके यूनिक नेम होना चाहिए। जैसे ह्यूमन एक्सेसिबल हम अलग अलग FOO.c, माई फोटोज, गो बनाना, जिस तरह से आपको जो भी फाइल का नाम सेव करना है उस तरह से आप उसको सेव कर सकते हो। ठीक है, ये जो फाइल के कंटेंट है इस कंटेंट के हिसाब से हम फाइल का एक्सटेंशन चेंज कर सकते हैं। जावा का प्रोग्रामिंग है तो डॉट जावा से सेव करेंगे, टेक्स्ट फाइल है तो डॉट txt से, डॉक्यूमेंट है तो डॉट doc से, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, तो जिस तरह से जो फाइल्स आते जाएंगे उस तरह से उसके एक्सटेंशन चेंज होते जाएंगे। नेक्स्ट, दीज आर द वेरियस एक्सटेंशन ऑफ अ फाइल। जैसे आपको पता है कि फाइल का एक्सटेंशन अगर डॉट bake अगर जैसे आप लोगों को पता है, जो लोग अभी ज्वाइन हुए मैं फिर से एक और बार रिकॉल कर रही हूँ कि दिस वन इज द लास्ट लेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ओनली सम प्रैक्टिकल्स आर रिमेनिंग। एंड इन दिस लेक्चर आई एम जस्ट रिकॉल और रिवाइज ऑल द टॉपिक्स अंडर द चैप्टर नंबर 6। दिस वन इज योर लास्ट लेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट। ओके, एज वी नो दैट देर आर द वेरियस फाइल एक्सटेंशन आर देयर, लाइक एज फाइल डॉट bake, फॉर bake दिस वन इज द बैकअप फाइल, फाइल डॉट सी दिस वन इज द सी प्रोग्राम फाइल, फाइल डॉट HLP हेल्प फाइल, GIF दिस वन इज द ग्राफिकल फाइल, जैसे आपके कोई फोटोज वगैरह सेव करते हो उसका फाइल है, PDF फाइल होता है कुछ, देन TXT फाइल, डॉट zip फाइल, MP3 दिस वन इज द ऑडियो फाइल। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जिस तरह से फाइल के कंटेंट्स रहेंगे उस तरह से फाइल के एक्सटेंशन चेंज होते जाते हैं। ओके, एंड आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि एनलिस्ट सम फाइल एक्सटेंशन विच आर यूज फॉर वाइल सेविंग द फाइल। ओके, नेक्स्ट, दिस वन इज द फाइल स्ट्रक्चर जहाँ पे आपको पता है कि बाइट्स बाय बाइट्स आपकी फाइल स्टोर की जाती है और कलेक्शन ऑफ बाइट्स से मिला के एक रिकॉर्ड क्रिएट होता है। और ट्री स्ट्रक्चर अगर हम बोले जाएंगे तो ट्री स्ट्रक्चर में क्या रहता है कि सी डी ई इस तरह से आपके मेन ड्राइव रहते हैं, ड्राइव के अंदर फोल्डर रहता है और फोल्डर के अंदर अगेन सब फोल्डर्स रहते हैं और उस सब फोल्डर्स के अंदर आप फाइल स्टोर करते हो। तो जैसे अगर आपको हायर लेवल पे सी ड्राइव है उसके उसके बाद आपने एक फोल्डर बनाया ABC, ABC फोल्डर के अंदर अगेन आपने फोल्डर बनाया PQR और उस PQR फोल्डर के अंदर आपने कोई सी नाम का फाइल स्टोर किया, तो दिस ये जो स्ट्रक्चर है वन बाय वन इसको ट्री स्ट्रक्चर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, फाइल का नॉर्मली जो फॉर्मेट है वो इस तरह से रहता है कि हर जो फाइल है हर फाइल में कुछ सिंबल टेबल्स होते हैं। अभी आप लोगों को सिंबल टेबल वाला ये जो कंसेप्ट है सिस्टम प्रोग्रामिंग वाले जो सब बुक है सिस्टम प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है उसमें आपको डिटेल में सिंबल टेबल समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहूंगी कि सिंबल टेबल क्या रहता है कि फाइल जैसे रहते हैं आपके, जैसे कुछ हेडर फाइल्स है, कुछ फाइल्स है, या फिर जो 0101 के फाइल रहते हैं बाइनरी फाइल से, तो हर एक फाइल के जब आप बनाते हो तो वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है और एग्जीक्यूटेबल फाइल में जब कन्वर्ट होता है तो उसका जो सिम्बॉल्स है उस एप्रोप्रिएट सिम्बॉल्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है। सिम्बॉल्स मतलब जैसे आप बोल रहे हो स्पेशल सिम्बॉल्स नहीं होते, सिम्बॉल्स मतलब क्या रहते हैं, यूनिक
यूनिक और मीनिंगफुल कैरेक्टर्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे आपको पता है कि जब आप फाइल बनाते हो तो फाइल के हेडर में उसका नंबर आता है, फाइल नंबर, उसके कितने सारे टेक्स्ट की साइज है फाइल में, टोटल कितने कैरेक्टर्स है, उसके डेटा कितना है। देन उसका बीएसएस, बीएसएस इसका मतलब क्या है कि लास्ट जो कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं वो मतलब बेस और बेस बेस मतलब स्टार्टिंग और ऑफसेट, इस तरह से जो साइज है वो स्टोर किया जाता है। सिंबल टेबल की साइज स्टोर की जाती है। सिंबल टेबल इज एग्जीक्यूटेबल फाइल जो आपको रन टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। और एंट्री पॉइंट मतलब स्टार्टिंग एड्रेस जहाँ से वो प्रोग्राम लिखना शुरू होता है। तो हर प्रोग्राम में, हर फाइल में टेक्स्ट होता है, डेटा होता है। रिलोकेशन बिट्स मतलब क्या रहता है कि आपको पता है कि हर बार जो फाइल जो फिजिकल सिस्टम, फिजिकल मतलब सेकेंडरी ड्राइव से जब आप उसको मेन मेमोरी में डालते हो तो फिजिकल एड्रेस से उसका लॉजिकल एड्रेस में कन्वर्जन होता है। तो ये कन्वर्जन करने वाले जो रिलोकेशन रजिस्टर से उसकी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है उसको रिलोकेशन बिट्स कहा जाता है। एंड सिम्बॉल टेबल इज द इट्स अ स्पेशल कैरेक्टर और एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल में इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड वंस आल्सो। हर फाइल का हेडर होता है। हेडर के बाद डॉट ओबीजे मॉड्यूल होता है उसका। डॉट ओबीजे, डॉट exe, ये वाले जो फाइल है, जैसे आपको पता है कि जब भी आप फाइल बनाते हो मैसम की, तो डॉट ओबीजे फाइल क्रिएट होता है, डॉट एएसएम की फाइल क्रिएट होती है, डॉट exe की फाइल क्रिएट होती है। मतलब हम जो एक प्रोग्राम डॉट एएसएम का बनाते हैं उसको जब हम एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में डालना जाते हैं, कंपाइल करते, तो उस टाइम पे उसके नंबर ऑफ सपोर्टिंग फाइल्स क्रिएट हुए किए जाते हैं। और ये जो नंबर ऑफ सपोर्टिंग जो फाइल्स क्रिएट होते हैं, ये सारे क्रिएट होने वाले जो फाइल्स होते हैं उसको एग्जीक्यूटेबल रिलेटेड फाइल्स कहा जाता है। जहाँ पे सिम्बॉल टेबल होता है, फर्स्ट पास कंपाइलर और सेकेंड पास कंपाइलर करके एक कंसेप्ट है। फर्स्ट पास में क्या होता है कि पहले प्रोग्राम में ए बी सी डी, आप अगर आपने कुछ डेटा टाइप डिक्लेयर किया है आई एन टी ए बी सी डी, तो ए बी सी डी के वैल्यूज डिक्लेयर किया है क्या, वो कौन से टाइप के है, तो फर्स्ट असेंबलर क्या करता है, फर्स्ट पास में क्या होता है कि सारे वेरिएबल्स और उनकी डेफिनेशन डिक्लेयर किया है कि नहीं वो चेक किया जाता है। और सेकेंड पास में एक्चुअल प्रोग्राम को रन करने से पहले उसके एरर चेकिंग किया जाता है और प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। मतलब फर्स्ट पास में सिर्फ ये चेक किया जाता है कि जितने भी वेरिएबल्स या फिर जितने भी आपने इंस्ट्रक्शंस यूज किए उन सभी का डेफिनेशन अवेलेबल है या नहीं है। और जैसे अवेलेबल हो जाएगा तो उसका अप्रोप्रिएट सिम्बॉल टेबल बनाया जाता है। मतलब जैसे आपको पता है कि स्कैनएफ और प्रिंटएफ इसका डेफिनेशन कोनियो डॉट एच, एसटीडीआईओ डॉट एच में पहले से ही स्टोर रहता है, तो उनके जो मीनिंग है वो वहां से हमें मिलने वाले हैं। अगर कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन मैंने डिक्लेयर कर दिया कि जिसका मीनिंग हमें फाइंड आउट नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे उसका जो सिम्बॉल टेबल है वो अप्रोप्रिएट नहीं बनता है और फर्स्ट पास में ही आपका फाइल कंपाइल नहीं हो पाता है, तो उसमें एरर डिक्लेयर किए जाते हैं। और एरर जब तक हम रिमूव नहीं करते तब तक आपका प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं होता है। ओके, हेडर में मॉड्यूल का नाम मतलब प्रोग्राम का नाम होता है, उसका डेट, ओनर कौन है, प्रोटेक्शन मतलब राइट ओनली, रीड ओनली, आर्चिव ओनली, इस तरह से उसके प्रोटेक्शन और साइज रहता है। ओके, नेक्स्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर टू मेथड्स ऑफ एक्सेसिंग अ फाइल, सिक्वेंशियल एक्सेस एंड रैंडम एक्सेस। जैसे आपको पता है कि ऑल द फाइल्स आर स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज, तो सेकेंडरी स्टोरेज में आपको पता है कि हर फाइल का एक यूनिक नंबर और नेम होता है। तो सपोज मैजिकल नंबर, जैसे आपने फर्स्ट फाइल का नंबर 1 है, सेकेंड फाइल का नंबर 2 है, 3 है, 4 है, अगर मुझे 10 नंबर की फाइल ओपन करनी है तो सिक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है, 1 से लेके आई प्लस प्लस, जैसे आप करते हो ना काउंटर प्लस प्लस होते जाएगा, जब तक 10 नहीं आता है तब तक आपका पॉइंटर नेक्स्ट 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 को पॉइंट करेगा, और जब 10 आएगा तो वहां पे कंपेरिजन मैच होगा और 10 नंबर की फाइल ओपन होगी। तो ये रहेगा सिक्वेंशियल एक्सेस। सिक्वेंशियल मतलब हमें 100 नंबर की भी फाइल अगर ओपन करनी है तो हमेशा हमारा पॉइंटर स्टार्ट करेगा रीडिंग 1 नंबर से, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स उसमें चेक किए जाएंगे, पढ़े जाएंगे, रीड किए जाएंगे, वो डायरेक्टली 100 पे जंप नहीं करता है। तो 1 2 3 4 5 99 तक वो रीड करते जाएगा, और जब 100 आएगा जहाँ पे कंपेरिजन मैच होगा तब आपकी फाइल ओपन की जाएगी। रैंडम एक्सेस क्या होता है, रैंडम एक्सेस में अगर मुझे 100 नंबर का कोई फाइल ओपन करना है तो डायरेक्टली उस पे जंप करके वो फाइल वहां से ओपन किया जाता है।
तो इन सिक्वेंशियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस में बेटर एक्सेस मेथड है रैंडम एक्सेस का, जहाँ पे कम मिनिमम टाइम्स रिक्वायर्ड होता है। सिक्वेंशियल एक्सेस में हमें 100 नंबर का या फिर फाइल अगर ओपन करना है तो उसमें उतना जो फर्स्ट से लेकर बिगिनिंग से लेकर लास्ट तक जो आई प्लस प्लस करते जाएंगे तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो टाइमिंग जो है वो सिक्वेंशियल में ज्यादा लगती है, रैंडम एक्सेस में कम लगता है, लेकिन सिक्वेंशियल एक्सेस इज इजी एज कंपेयर टू रैंडम एक्सेस। ओके, नेक्स्ट। दीज आर द फाइल एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट आप लोगों को पता है, हर फाइल जब हम स्टोर करते तो फाइल स्टोर करते समय हर फाइल के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक एज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में रीड ओनली, राइट ओनली, रीड राइट, हिडन, आर्चिव, दीज आर द प्रोटेक्शन। फाइल को हम पासवर्ड रख सकते हैं, किसने क्रिएट किया वो क्रिएटर का नाम आता है, ओनर का नाम आता है। देन रीड ओनली फ्लैग, हिडन फ्लैग, सिस्टम, आर्चिव फ्लैग, ये वाले जो फ्लैग रहते हैं ये बताता है कि वो फाइल रीड ओनली है क्या, राइट ओनली है क्या, या फिर सिस्टम के रिलेटेड फाइल है। तो इस तरह से वो फाइल के कंटेंट बताता है, आस्की फाइल है, रैंडम एक्सेस फाइल है, टेम्पररी फाइल है। दीज आर द वेरियस फ्लैग्स। फ्लैग्स का मतलब क्या है, वो बताता है कि वो फाइल कौन से टाइप का है, बाइनरी इंफॉर्मेशन है, टेम्पररी होल्ड किया है, या फिर वो परमानेंट फाइल है। रिकॉर्ड लेंथ कितने कितना लंबा है वो। देन की पोजिशन, ऑफसेट ऑफ द की विद इन ईच रेक, ऑफसेट ऑफ द की विद इन ईच रिकॉर्ड का मतलब क्या रहता है कि ये जो आपकी फाइल होती है उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है, जैसे की पोजीशन, जैसे आप बोलते हैं ना आई प्लस प्लस करते जाना, तो कौन से पोजीशन पे वो फाइल प्रेजेंट है वो बताता है, और उसका एक्चुअल साइज कितना है। जैसे मैंने बोला कि 100 नंबर का फाइल, तो 100 इज द की पोजीशन, 100 नंबर से वो फाइल स्टोर होना स्टार्ट करेगा और उसका लेंथ होगा कुछ 100 KB, 200 KB, 1 GB, 3 GB, इस तरह से उसका अलग से उसका साइज होगा। क्रिएशन टाइम, वो फाइल कब क्रिएट हुआ, कब लास्ट टाइम एक्सेस हुआ, कब उसको चेंज किए थे, उसके कंटेंट एडिट किए थे, करंट अभी उसका फाइल का साइज क्या है और मैक्सिमम साइज क्या है, इस तरह से हम फाइल को स्टोर कर सकते हैं। देन दीज आर द वेरियस फाइल एट्रीब्यूट्स। ओके, आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन फाइल एंड राइट डाउन द फाइल एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट, दीज आर द वेरियस फाइल ऑपरेशन। क्रिएट अ फाइल, डिलीट अ फाइल, ओपन अ फाइल, क्लोज, रीड राइट फाइल, अपेंड फाइल, सिक फाइल, गेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट, रीनेम, दीज आर द वेरियस फाइल ऑपरेशन। फाइल के ऊपर हम जो जो ऑपरेशन करते हैं ना, आपने फाइल मैनेजमेंट का प्रोग्राम लिखा होगा, तो फाइल का जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें जनरली हम फाइल को क्रिएट करते हैं। फाइल का एक प्रोग्राम रहता है ना सी में, सी प्लस प्लस में, फाइल हैंडलिंग, तो उसमें फाइल को क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, ओपन क्लोज कर सकते हैं, रीड राइट, तो ये वाले सारे जो ऑपरेशन आप एक फाइल के ऊपर कर सकते हैं उसे कहते हैं फाइल ऑपरेशन। ओके, यहाँ पे क्रिएट का मतलब नया फाइल बनाना, डिलीट का मतलब उसको रिमूव करना, ओपन मतलब किसी फाइल को ओपन करना, क्लोज मतलब उसको बंद करना, रीड मतलब उससे डेटा गेट करना, राइट मतलब वहां पे डेटा पुट करना, अपेंड का मतलब क्या है, एट द एंड ऑफ अ फाइल न्यू कंटेंट्स ऐड करते जाना, सिक मतलब किसी अप्रोप्रिएट लोकेशन पे पॉइंटर को मूव करना, गेट एट्रीब्यूट मतलब उसके एक्चुअल, जैसे एट्रीब्यूट आपने देखे है कि इसके पहले मैंने एट्रीब्यूट एक्सप्लेन किए, तो उसके एट्रीब्यूट के जो बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखनी है तो गेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट अगर आपको अलग से कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो आप उसका डेटा चेंज कर सकते हो और फाइल को
रीनेम कर सकते हो। दीज आर द वेरियस ऑपरेशंस ऑफ अ फाइल। नेक्स्ट, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने फाइल का एक प्रोग्राम लिखा था, तो वैसे ही आप फाइल, तो वैसे ही मैंने जब आपको बताया कि सी का आपने फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम देखा था, तो वैसे ये फाइल हैंडलिंग का जो प्रोग्राम है, इसमें भी आपने वेरियस सी के फाइल्स यूज करके एक फाइल को ओपन किया है। ठीक है, तो ये फाइल हम, ये प्रोग्राम हम डिटेल में नहीं देखेंगे। नेक्स्ट 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 ओपन करो। मेमोरी मैपिंग वाला कंसेप्ट आपको नहीं है, डायरेक्टली डायरेक्टरीज है, तो डायरेक्टरीज को डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है हम डायरेक्टरीज को फोल्डर्स कहते हैं, हाँ, तो हर फोल्डर का अलग अलग से नाम रख के आप उसको सेव करते हैं, और हर फोल्डर के अंदर आपके नंबर ऑफ फाइल्स होते हैं। तो फाइल जो फोल्डर्स होते हैं, वो फोल्डर्स इजीली हमें कुछ डेटा अगर एक्सेस करना है तो उसको हम इस तरह से नाम देते हैं कि वहाँ पे जैसे दीज आर द 2020, तो 2020 के रिलेटेड ऑल डेटा रहेगा, या फिर माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर रिलेटेड ऑल कंटेंट्स वहाँ पे स्टोर करेंगे। तो हम फाइल का नाम इस तरह से देते हैं कि वहाँ से इजीली हमें समझ में आ जाए कि हमारे फाइल्स और हमारा इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगा। ग्रुपिंग करते हैं ना अलग अलग फाइल्स के नाम के हिसाब से। नेक्स्ट, ये देर आर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉर्मली यूनिक्स आपने पढ़ा, तो यूनिक्स इज द सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या रहता है? हो, सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का मतलब ये रहता है, सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज ए वन लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, एंड दिस वन इज अवेलेबल इन यूनिक्स। यूनिक्स में क्या रहता है, एक रूट डायरेक्टरी होता है, रूट डायरेक्टरी के अंदर सारे फाइल्स होते हैं। आपका एक ही डायरेक्टरी ना यूनिक्स में, उस डायरेक्टरी के अंदर हम नंबर ऑफ फाइल्स को स्टोर करते हैं, तो इसे कहते हैं सिंगल लेवल डायरेक्टरी। ओके, नेक्स्ट, दिस वन इज द टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में क्या रहता है, टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मीन दैट दो लेवल्स पे आपके फाइल स्टोर किए जाते हैं। रूट डायरेक्टरी मतलब एक मेन डायरेक्टरी होता है, उसके बाद आप सब फोल्डर्स होते हैं, ए बी सी डी नाम से फोल्डर है, और ए के अंदर अलग फाइल्स है, बी के अंदर अलग फाइल है, सी के अंदर अलग फाइल है। मतलब सिर्फ दो लेवल्स पे आपके फाइल स्टोर किए जाते हैं। फर्स्ट लेवल पे आता है रूट डायरेक्टरी, और सेकेंड लेवल पे आता है मेन फोल्डर। तो ये रहते हैं आपके टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, और ये हायरार्किकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। हायरार्किकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का मतलब ये रहता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स स्टोर किए जाते हैं। नंबर ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स किसी भी लेवल पे जा सकते हैं आप। तो सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में क्या रहता है कि एक ही लेवल पे सारे फाइल्स रहते हैं। टू लेवल पे क्या रहता है कि दो लेवल्स, मतलब फर्स्ट रूट देन फोल्डर्स एंड फाइल्स। और हायरार्किकल में क्या रहता है कि पहले रूट डायरेक्टरी और बहुत सारे फोल्डर्स रहेंगे, फोल्डर्स के अंदर फाइल्स रहेंगे, अगेन फोल्डर के अंदर फोल्डर भी रह सकते हैं और फोल्डर के अंदर फाइल्स भी रह सकते हैं। तो इसको कहते हैं हायरार्किकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, यही है यूनिक्स। यूनिक्स का इस तरह से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रहता है, रूट डायरेक्टरी के अंदर सारे फाइल्स होते हैं और वहीं से वो फाइल्स को एक्सेस किया जाता है। फाइल्स, अभी देखो ये रूट डायरेक्टरी है, बिन, एटीसी, दिस दीज आर द वेरियस नेम्स ऑफ अ फाइल, और वन बाय वन फाइल्स डायरेक्टली आप रूट डायरेक्टरी पे स्टोर करते जाते हैं। नेक्स्ट, तो
ऑपरेशन ऑन डायरेक्टरीज, ऑपरेशंस और डायरेक्टरी में है क्रिएट डायरेक्टरी, डिलीट डायरेक्टरी, ओपन डायरेक्टरी, क्लोज डायरेक्टरी, रीड डायरेक्टरी, रीनेम डायरेक्टरी, लिंक डायरेक्टरी एंड अनलिंक डायरेक्टरी। क्रिएट का मतलब नया फोल्डर क्रिएट करना, डिलीट का मतलब डायरेक्टरी को डिलीट करना, ओपन डायरेक्टरी मतलब उसको ओपन करना, क्लोज को क्लोज करना, रीड मतलब देखना और रीनेम करना। लिंक का मतलब क्या है, क्रिएट अ न्यू एंट्री, मतलब एक दूसरे से फाइल अगर लिंक रहते हैं ना, जैसे एक फाइल के अंदर आपने सब फोल्डर बनाए तो सब फोल्डर क्या रहे उससे कनेक्टेड रहेगा, तो ये लिंक रहता है। और अनलिंक का मतलब क्या रहता है, वो एक दूसरे से अलग अलग, मतलब डिलीट किया तो उसको अनलिंक करना। दीज आर द वेरियस ऑपरेशंस ऑन डायरेक्टरी। तो नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, यहाँ तक ही था आपका सिलेबस। तो जो भी है ना, डायरेक्टरीज है, फाइल्स है, फाइल एक्सेस मेथड है, और फाइल एट्रीब्यूट, फाइल ऑपरेशंस, इतने ही टॉपिक आपके लास्ट चैप्टर में थे। तो चैप्टर नंबर 6 जो था, वो आपका चैप्टर नंबर 6 अभी कंप्लीट हो रहा है। तो चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है, अभी रिमेनिंग रहा आपके प्रैक्टिकल के रिलेटेड। तो नेक्स्ट जब भी मैं लेक्चर लूंगी, आपके प्रैक्टिकल्स को डिस्कस करूंगी। ओके।